अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ मोहसिन दफा और आप लोग देख रहे हैं वर्चुअल स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की जो मेरी वीडियो है वो MKT 610 है, जो कि हमारा सब्जेक्ट कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है, उसका जो क्विज नंबर 1 आया हुआ है फॉर द सेमेस्टर ऑफ स्प्रिंग 2020, उस हवाले से है। तो दोस्तों, क्विज शूटिंग करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको स्क्रीन के ऊपर मेरे दो और नए यूट्यूब चैनल आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे आइकान उनके, जिसमें 24/7 टीचर्स ऑनलाइन है और की टू सक्सेस है। दोस्तों, इन चैनल्स को बनाने का मकसद ये है कि मैं एक तो अपने जो मुख्तलिफ आप लोगों के सब्जेक्ट हैं जो मुश्किल हैं उनके लेक्चर रिकॉर्ड करके उसमें भी आपकी हेल्प आउट करूँ। तो वो मैंने अपने लेक्चर ऑलमोस्ट कोई 15 सब्जेक्ट के रिकॉर्ड करके 24/7 टीचर्स ऑनलाइन पे रखे हैं, तो आपको मैं कहूंगा कि वहां पे जाएं और उन लेक्चर से फायदा उठाएं। और दूसरा जो है वो की टू सक्सेस है, इसको बनाने का मकसद ये है कि आपकी कम वक्त के अंदर बहुत अच्छी तैयारी करवा सकूं। तो उस हवाले से भी मैंने अपने लेक्चर रिकॉर्ड करके वहां पे रखे हैं की टू सक्सेस के ऊपर, मिड टर्म और फाइनल टर्म की तैयारी के हवाले से। तो आप की टू सक्सेस को भी जरूर विजिट करें और इन तीनों चैनल्स को सब्सक्राइब करके आप मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं और अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए बनाता रहूं। करते हैं जी हम क्विज शुरू अपना। दोस्तों, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस ऑफ इनेबलिंग द पर्सनल टू डिलीवर द सर्विसेज इन मैनर दैट बेनिफिशियल टू द बूथ ऑर्गेनाइजेशन कस्टमर एंड टू इटसेल्फ। इसमें ट्रेनिंग है, रिक्रूटमेंट है, एम्पावरमेंट है और अकाउंटेबिलिटी है। तो इसमें फर्स्ट वाली जो ऑप्शन है ट्रेनिंग, वो इस सवाल का बिल्कुल ठीक जवाब है। नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस कैन बिकम द बेसिस फॉर कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट प्रोग्राम। इसमें मार्केटिंग ओरिएंटेशन प्रोग्राम है, प्रोडक्ट ओरिएंटेशन प्रोग्राम है, कस्टमर ओरिएंटेशन प्रोग्राम है और मैनेजमेंट ओरिएंटेशन अप्रोच है। तो आपका थर्ड वाला जो है कस्टमर ओरिएंटेशन प्रोग्राम या अप्रोच, वो इस सवाल का बिल्कुल ठीक जवाब है। नेक्स्ट है जी, कस्टमर सर्विसेज फैसिलिटेशन इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। इसमें डाइवर्ट अटेंशन ऑफ कस्टमर है, रिजॉल्व प्रॉब्लम है, इम्प्रूव एफिशिएंसी है और प्रोवाइड फुल इंफॉर्मेशन है। तो इसमें जो आपका फर्स्ट वाला है वो आपका इसके अंदर फैसिलिटेशन के अंदर नहीं आता, डाइवर्ट अटेंशन टू द कस्टमर। तो फर्स्ट वाला जो है वो इस सवाल का ठीक जवाब है। नेक्स्ट है जी, कस्टमर कंप्लेंट शुड बी कंसीडर हेल्पफुल एक्सेप्ट, इंक्रीज द कस्टमर सेटिस्फेक्शन, नॉइसेंस है और इम्प्रूव ऑफ प्रोडक्ट एफिशिएंसी है, इम्प्रूवमेंट इन सेल सर्विसेज हैं। तो आपकी जो कंप्लेंट है वो आपकी प्रोडक्ट की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने में आपकी मदद करती हैं। तो थर्ड वाला जो है वो आपका ठीक जवाब है। नेक्स्ट है जी, इंसेंटिव स्कीम्स, एडिशनल सर्विसेज एंड कंटेंटमेंट बेस्ड स्कीम आर कॉल्ड। कंसंट्रेशन है ऑन द पेइंग एबिलिटी ऑफ कस्टमर, बिल्डिंग स्विचिंग बैरियर है, रिलेशनशिप बेस्ड प्राइसिंग स्कीम है, डिफरेंशिएशन इन प्राइसिंग एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड है। तो इसमें आपका जो सेकंड वाला है बिल्डिंग स्विचिंग बैरियर, ये आपका ठीक जवाब है। नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ एक्लेफरेशन मैकेनिज्म। इसमें स्केलेबिलिटी है, रिक्रूटमेंट है, ट्रेनिंग है और एम्पावरमेंट है। तो फर्स्ट वाला जो आपका स्केलेबिलिटी है वो इसमें कंसिडर नहीं आता एक्सेलरेशन मैकेनिज्म के अंदर, तो स्केलेबिलिटी जो है वो आपका ठीक जवाब है। नेक्स्ट है जी, आ फिल इन द ब्लैंक सिस्टम ब्रिंग्स टुगेदर लॉट ऑफ पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट कस्टमर कैरेक्टरिस्टिक, सेल ट्रांजैक्शन, मार्केटिंग इफेक्टिवनेस, रिस्पॉन्सिवनेस एंड मार्केटिंग ट्रेंड। इसमें आपका कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है। तो वी आर स्टडिंग द कस्टमर रिलेशनशिप और हम जो है कस्टमर कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहे हैं, सेल ट्रांजैक्शन की और मार्केटिंग की। इट मीन्स कि इट विल फॉल इन द कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो फर्स्ट आंसर जो है वो आपका बिल्कुल ठीक जवाब है। नेक्स्ट है जी, मार्केट शेयर ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इज कैलकुलेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिस। इसमें मार्केट शेयर इक्वल्स ऑर्गेनाइजेशन सेल डिवाइडेड बाय टोटल कंपेटिटर शेयर। इसमें मार्केट शेयर इक्वल्स ऑर्गेनाइजेशन सेल डिवाइडेड बाय टोटल मार्केट शेयर, और मार्केट शेयर इक्वल्स ऑर्गेनाइजेशन सेल डिवाइडेड बाय टोटल कंपेटिटर सेल और नन ऑफ द गिवन ऑप्शन। तो ये एक मेरे लिए नया MCQ था दोस्तों, तो मैंने जो है इसके अंदर सेकेंड ऑप्शन लगाया है। तो आप एक बार इसको इंश्योर कर लीजिए कि वाकई इसका यही फॉर्मूला है या नहीं, क्योंकि मैं अब इसको भूल चुका हूँ।
नेक्स्ट है जी, अ गुड कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट प्रोग्राम विल अलाउ बिजनेस टू रिटेन कस्टमर, रिटेन एंड अक्वायर कस्टमर, प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू द कस्टमर. और हमारा जो कस्टमर रिलेशनशिप का मकसद जो है वो अक्वायरिंग द न्यू कस्टमर है, बल्कि उसको लॉन्ग टर्म तक लेके जाना. तो लास्ट वाली जो ऑप्शन है वो इस सवाल का ठीक जवाब है. आखिरी क्वेश्चन है जी, आइडेंटिटी विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट इज नॉट रिलेटेड टू द टोटल कस्टमर केयर प्रोग्राम. इसमें ओनली अर्न रेवेन्यू, ऑलवेज प्रोवाइड चॉइस, एक्सटेंड अपॉर्चुनिटी टू इंस्पेक्ट द ब्रांड, डिस्प्ले ऑर्गेनाइजेशन इमेज एंड गुडविल. तो लास्ट वाली जो ऑप्शन है, डिस्प्ले ऑर्गेनाइजेशन इमेज एंड गुडविल, वो इस सवाल का बिल्कुल ठीक जवाब है. दोस्तों ये था हमारा क्विज आज का. आखिर में मैं फिर आप लोगों को कहूंगा, आप लोग की टू सक्सेस पे जाइए, वहां पे जो आपको मिड टर्म और फाइनल टर्म के हवाले से मटेरियल अवेलेबल है उसको जरूर विजिट करें, वो इंशाल्लाह आपके लिए हेल्पफुल होगा और आपको काफी सीखने का मौका भी मिलेगा. इसके साथ ही आप टीचर्स ऑनलाइन को भी देखें, वहां पे जो मेरे ऑलमोस्ट 15 सब्जेक्ट के लेक्चर अवेलेबल हैं, आप उनसे भी जरूर फायदा उठाएं. दोस्तों मिलते हैं अगली किसी असाइनमेंट सोल्यूशन के साथ या GDP सोल्यूशन के साथ. उस वक्त तक के लिए मोहसिन भाई को इजाजत दीजिए. थैंक यू वेरी मच दोस्तों, अल्लाह हाफिज़.